स्टूडेंट्स, मैं क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर सेकंड है आपका पॉलीनोमियल, जिसकी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने जा रहा हूँ, देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। एक मिनट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। तो बस सीधी बात है, हमें जो एक्स माइनस ए दे रखा है, जिससे डिवाइड करना होता है, उसे जीरो के बराबर रखना होता है। पी एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। पुटिंग एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, हमें एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या रखना है, जीरो रखना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई a। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, रिमाइंडर इज गिवन बाय पी ए। तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, पी ए होगा। तो बस पी ए पे वैल्यू निकाल दो, एक्स की क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए, जो ए क्यूब और जो ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ए क्यूब से ए क्यूब गया, बचा क्या 6a माइनस ए, कितना आ गया आपका 5a। क्लियर है, वीडियो को पुश करना और अपने आप करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमें इसमें चेक करना है कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, हमें चेक करना है इसमें कि 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, है ना। देखते हैं, आपको पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कितना दे रखा है 3x³ + 7x। पुटिंग 7 + 3x इक्वल टू जीरो, हमने क्या पुट कर दिया, 7 + 3x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 7/3, कितनी आ गई -7/3, क्योंकि 7 जाएगा साइड में जाएगा तो माइनस का 7 और 3 नीचे आएगा तो 3, तो 7/3। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, जो इस पर होगा, तो हमें चेक करना है। तो इस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर जीरो आ जाती है तो वो उसका फैक्टर होगा। तो अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो 3 × माइनस का 7/3 की पावर 3 प्लस 7 × -7/3। इसे सॉल्व करा तो क्या आ गया, -343/27 और 49/3। एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, माइनस का 490/9, और 490/9 जीरो तो है नहीं है, रिमाइंडर आया है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, वो इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी 2.3xyz ख़त्म होती है बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो मैं 2.4xyz के ऊपर बनाऊँगा। गुड बाय।